दोस्तों तो चलिए द बैटमैन के उन विलन्स की बात करते हैं जो मूवी में हमें दिखाए तो नहीं गए पर उनके रेफरेंस के रूप में उनकी आवाज तक सुना दी गई। नंबर एक, एरिक क्योगन का जोकर। अब आप कहोगे कि सिर्फ आवाज से तुम कैसे बोल रहे कि वो जोकर ही था, तो सोच के देखो दोस्तों, जोकर के बिना बैटमैन अधूरा है और ये जोकर भी अपने अर्ली स्टेज में लगता है, मतलब हो सकता है ये अभी तक जोकर बना नहीं है। इस पे हम काफी सारी बातें कर सकते हैं। पर नंबर दो, हश। हाँ, हश भी दिखाया नहीं गया पर उसका नाम हमारी आंखों के सामने बड़ा बड़ा लिखा हुआ था। नंबर तीन, द टू फेस। अब देखो सीधी बात, ये कैरेक्टर मूवी में तो नहीं था पर क्योंकि डॉन मिचेल जूनियर का मेयर इस मूवी में मर चुका है तो अगला मेयर कौन हो सकता है। नंबर चार, बेन। अब आप कहोगे कि तूने तो हद ही कर दी पर मूवी के एंड में जब बैटमैन बेहोश होने ही वाला था तो उसने एक इंजेक्शन एक दवाई ली और जिसके असर आपने मूवी में देखे ही थे, तो वो बेन का वेनम हो सकता है। फ्यूचर में इनको रेफरेंस देने में आसानी रहेगी।